दोस्तों अगेन आई एम बैक विद रोशनी। सो रोशनी से हम पूछेंगे कि इनके लेस्बियन वाले एक्सपीरियंस कैसे रहे और किसके साथ रहे, बताएं। मैंने अपना जो फर्स्ट लेस्बियन सीन किया था वो टीना नंदी के साथ किया था। ठीक है। सैंड टाइमर जो मैं आपको बता रही हूँ वो लेस्बियन टीना और मेरा हुआ था। हाँ। उसके बाद मैंने अभी हाल फिलहाल में एक और लेस्बियन सीन दिया जो कि नेहा वर्मा के साथ दिया। ओके। बट वो सीरीज बहुत जल्द रिलीज होगी, अभी हुई नहीं है। तो अभी टोटल तो मैंने दो ही लेस्बियन सीन दिए हैं। पहले पहले तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी, बट जब मैंने जैसे कि बताया को एक्टर्स अच्छे मिल जाते हैं तो वो कंफर्ट जोन अपने आप ही बन जाता है। तो कर रहा है। तो नेहा के साथ काम करके कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस? नेहा वर्मा भी काफी अच्छी एक्टर है, प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे से काम करती है, है ना। और मैंने उसके साथ जो लेस्बियन सीन दिया बहुत अच्छे से, मतलब हम लोगों का, मैं जिस उसमें रहती हूँ टेंशन में कि मतलब कि ऐसे होगा नहीं होगा, वो नहीं प्रॉब्लम आई क्योंकि को एक्टर आपको अच्छा मिल गया। तो नेहा वर्मा भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको लड़कों के साथ सीन देना है, सी इट इज ऑल अबाउट सीन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो आप लड़कों के साथ यू फाइंड योरसेल्फ मोर कंफर्टेबल और विद गर्ल्स यू फाइंड लाइक मोर कंफर्टेबल? देखिए, एज एन एक्टर मैं मेल और फीमेल स्पेसिफाई नहीं कर सकती। आप अगर एक्टर है तो आपको कंफर्टेबल रहना पड़ता है हर सीन के लिए, हर सिचुएशन के लिए। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेल और फीमेल, मैं मुझे काम से मतलब है, वो काम होना चाहिए। दोस्तों देख लो, दिल्ली वाली लड़की है, प्लेइंग वेरी सेफ। मतलब इतने सारे एक्टरों को मैंने बुलाया, मैंने इतने लोगों से इतनी बातें करवा ली, दिल्ली वालों से नहीं करा सकती मैं। हर पॉइंट पे शी नोज व्हाट टू स्पीक एंड दैट लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ। ठीक है, वेल प्ले ना। तो मुझे एक बात बताओ, लाइक इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं, आगे भी आप करना चाहती हैं, तो आगे आप आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान मैम मेरा जो है, सबसे पहले तो मैं अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, अच्छे चैनल्स, अच्छे ब्रांड्स के लिए काम करना चाहती हूँ, और ऊपर वाले की दुआ रहे तो करूंगी भी। बस उसी में मेहनत और काम दोनों जारी है। ओके, एंड हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, कौन कौन है? आई हैव मॉम, ओके, माय फैमिली एंड टू यंगर brothers, okay, and I'm only sister or girl in my house. Okay, so you must be very pampered, huh? Pampered, right. तो एक बात बताओ, like अभी तक भाइयों ने कुछ कहा कि ये क्यों कर रहे हो? They have no idea what all you are doing. No, no, no. Actually, मैंने आपको बताया ना, मेरी family बहुत supportive रही है. Yes. और trust is very important, है ना? तो वो trust मेरी family ने मुझे पे बनाया रखा हमेशा से, और मैंने भी नहीं तोड़ा। और काम काम होता है, वो उनका ये कहना है, काम काम है। जब वो काम आपको, आपका पेट पाल रही है, उससे बड़ा मेरे ख्याल से पूजा कुछ नहीं है। तो यही है कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे एक बात ये बताएं, जैसे कि आई फाइंड योर फैमिली वेरी कंफर्टेबल एंड थिंग्स आर प्रीटी फाइन इन योर लाइफ, सो जैसे कि कई बार ये होता है ना कि अभी क्या करें, व्हाट्स नेक्स्ट? जैसे जब आपने पहली बार ये डिसाइड किया कि आप एक बोल्ड फिल्म में काम करने वाली हैं, जी, जब पहली बार जो पहली फिल्म थी, उसके पहले उस रात को आपके दिमाग में क्या चल रहा था? वो 11th आवर जो थॉट होते हैं, जो मिडनाइट 3 AM थॉट्स होते हैं, वो क्या थे? मैं तो पहले ये सोचती थी कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, है ना, मैं कंफर्टेबल हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। मुझे कभी बार तो ऐसा भी लगा कि ऐसा ना हो कि मैं सेट से ही भाग जाऊं। बट हाँ, माइंड को सबसे पहले आपको स्ट्रांग करना होता है, प्रिपेयर होना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। तो मैं माइंड से बिल्कुल प्रिपेयर होके ही सेट में जाती थी, और बहुत अच्छे से मैं अपना काम कर लेती थी। फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट इसी चीज के लिए शायद प्यार दिया, सपोर्ट किया। तो हाँ, माइंड तो देखिए चलता है, एक दिन पहले तो आपका रहता है होगा नहीं होगा, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मगर हाँ, माइंड को आपको बिल्कुल पॉइंट, मतलब गोल अपना सेट करके, अपने आप को सेट करके दिमाग को, फिर आप जाओ। करेक्ट। और मुझे बताओ, आपने कितनी पढ़ाई की, आपकी एजुकेशन क्या है? एक्चुअली नहीं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, LLB। ओके, या दिस इज माय लास्ट ईयर, सो LLB मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है मेरा
एमबीए हो चुका है, एचआर में मैं एमबीए हूँ, सो पढ़ाई तो हाँ इम्पोर्टेंट है। तो एमबीए के पहले आपने क्या किया था? उससे पहले मेरी ग्रेजुएशन थी, बीकॉम वगैरह किया था, बीबीए किया था। लवली। उसके बाद एमबीए एचआर किया और अब मेरी एलएलबी चल रही है। दोस्तों बच के रहना, बंदी एडवोकेट बनने वाली है। गुड गुड, प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे लास्ट पे एक आर्टिस्ट आई थी, रितु राय, इवन शी इज वेल एडुकेटेड, उसने एमबीए किया हुआ है। तो पढ़े लिखे लोग एक अलग वॉर्म्थ देते हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे अभी आपका माइंड तो बहुत सेट है, दोस्तों मैं इनसे अंदर की बातें तो नहीं निकलवा पा रही हूँ, तो आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल बता दें ताकि लोग आपको फॉलो कर सके जी, बिल्कुल, और आप तक पहुंच सके। सो माय इंस्टाग्राम आईडी इज इट्स मी रोशनी, इट्स मी रोशनी के नाम से मैं इंस्टाग्राम आईडी में हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, मेरे बारे में और ज्यादा अपडेट्स वहाँ से ले सकते हैं। सो दोस्तों ये थी रोशनी मेरे साथ। अगर आपके पास कोई भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो विच इज जानवन, आप इन्हें प्लीज अप्रोच करें एंड गो विद द फ्लो। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर मैम। ओके, बाय बाय।